बात करते हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें पिछले एक महीने की, तो यहाँ पर 12% के आसपास यहाँ पर तेजी से स्टॉक के प्राइस में आपको देखने को मिली है। आज कंपनी को लेकर अपडेट आई है। कंपनी जो Q1 है, उसके नंबर्स है जो कि आ गए हैं। अगर अपन बात करें नंबर्स की, तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर यानी Q4 की तुलना में यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। Q4 के अंदर जो टोटल इनकम थी 7,273 करोड़ की थी, वो बढ़कर 7,637 करोड़, यानी 5% जंप। नेट प्रॉफिट में 206 करोड़ से बढ़कर 346 करोड़, 68% का जंप नेट प्रॉफिट में भी आपको देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर 0.07 से बढ़कर 0.12 आपको देखने को मिल रहा है। 71% का जंप यहाँ भी आपको देखने को मिला है। अगर अपन बात करें पिछले साल के Q1 की, तो कंपनी ने पिछले साल के Q1 के अंदर 5,919 करोड़ रुपये का यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिल रही है, वो 7,637 करोड़, यानी उसमें 29% का जंप आपको देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 314 करोड़ से बढ़कर 346 करोड़, यानी 10% का जंप। अर्निंग पर शेयर 0.13 से कम होकर 0.12 रुपीज़ आपको देखने को मिला है, यानी 7% गिरावट यहाँ पर आपको कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी देखने को मिला है। अगर एनपीए की बात की जाए, तो कंपनी ने दोनों ही जगह यानी ग्रोस एनपीए और नेट पे एनपीए आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने कंटिन्यूसली यहाँ पर कम किया है, क्योंकि Q4 की तुलना में यहाँ पर कंपनी का जो टोटल जो एनपीए है, वो 2.2 से कम होकर 2% आपको देखने को मिल रहा है। और पिछले साल के Q1 के अंदर ये 13.4 था, यानी काफ़ी अच्छी यहाँ पर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। नेट पर एनपीए की अगर बात करें, तो वो हल्का सा बढ़ा है, जो कि आप इसको एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी आप मान सकते हैं। और पिछले साल के Q1 की तुलना में अगर देखें, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको इसमें देखने को मिला है। नो डाउट यहाँ पर कंपनी के जो रिजल्ट है, वो काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिले हैं, और आने वाले शॉर्ट टर्म में आपको अपवर्ड रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्ट।